हमारी शक्ल देखो और रियासत मदीना का तकद्दस चिनस्पत खाक रबा आलम पाक तौहीन करते हो। तुम्हें खातमुन नबीयीन का लफ्ज कहना नहीं आता, तुम्हें खातमुन नबीयीन का लफ्ज कहना नहीं आता, तुम्हें खातमुन नबीयीन का लफ्ज कहना नहीं आता। खत्म नबूवत का लफ्ज जबान से गलत हो गया, वो सही भी कर रहा है, बस उसको निकाल के एक तमाशा बना दो कि यहूदियों का एजेंट है, क्योंकि ये लफ्ज में तलफ्फुज़ इसने क्या किया है, गलत किया है। ये सब इसी जिदाल में दाखिल है। तीन दफा क्या, छह दफा भी हो, सौ दफा भी हो, एक आदमी से नहीं तलफ्फुज़ निकल रहा, हर चीज हर आदमी की जबान से नहीं निकलती। उस पर यह फैसला करना कि मुनाफिक है, यही किसी मौलवी से गलती होती पक्का मोमिन होता। वो कहते अल्लाह के जलाल और खत्म नबूवत के अकीदे का रोब इतना था कि हजरत की जबान लुढ़ पड़ा गई। जब ये मौलवी ये काम करेगा तो वो नबी के इश्क कर रहा है। यूथी एंड कंपनी भी लेकर चल रहे हैं हमारे एक मुफ्ती साहब की इस अनोखी मंतिक को। मैं तो हैरान हूं, मैं तो कहता हूं अगर आपका कराची में अजायब घर है ना तो वहां पे जाके इसको लगा दें शोकेस में कि उनने तो कुछ नहीं किया और ये बने हुए हैं। चलो भाई दूसरों की शादी में अब्दुल्ला वाला मामला। तो भाई मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं आप, कहां बैठे हैं आप, क्या मामला आते हैं आपके? दौलत शोहरत पैसा और दुनिया की फेम इन उमल्लों को इतनी अजीज है कि इन्हीं की मकतबा फिक्र के आलम हैं, यानी कि देवबंदी हैं मुफ्ती तारक मसूद साहब। उन्होंने खातमुन नबीयीन ना निकलने पर थोड़ी सी उनकी फेवर की है, तो इस दलील की दुनिया के मोहताज बादशाह मुफ्ती अब्दुल वाहद कुरैशी को इतनी तकलीफ हुई है कि कह रहा है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब को उठा के किसी अजायब घर में रख दो। नाऊज़ बिल्ला, इस सियासत और दुनियादारी के चक्कर का ये भूखा मुफ्ती अब देखो किस हद तक भोंडी बातें करना शुरू हो गया कि मेरे भाई तेरे पास दलील नहीं है। अगर तुमने इसी तरह ही चीज़ें निकालनी हैं कि उसके खातमन नबीयीन इमरान खान के मुंह से नहीं निकला तो वो यहूदी एजेंट हो गया। आप इनके क्लिप देख लें, ये बकायदा तायद कर रहे हैं कि जो इमरान खान है यहूदी एजेंट है। मैं आपको बात बताता हूँ, अगर इसी तरह रिजल्ट निकलते हैं तो आपका जो आलम है ना तो उसको जो मौलाना फजलुर रहमान है ना तो उनको सजदा करना आता है और ना ही सजदे के बाद जैसे उठने का तरीका आता है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका नहीं सीखा सारी ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह सजदा ना करो जिस तरह कुत्ता अपने बाजू बचाता है। तो आपका जो आलम है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं उन्होंने सजदा किया है तो उन्होंने बिल्कुल अपने बाजू उसी तरह बचाए हैं जिस तरह कुत्ता बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सजदे से ऊपर उठो तो पहले जो है अपने घुटने उठाओ, बाद में हाथ उठाओ। इससे हम क्या रिजल्ट निकालें? अगर रिजल्ट ही निकालना तो जिसको रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका नहीं मालूम उसके बारे में हम क्या रिजल्ट निकालें? फिर कुछ खुदा का खौफ करें। और उसके बाद जिसको आप यहूदी एजेंट कह रहे हैं उसको रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका मालूम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सजदा भी कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही सजदे से ऊपर भी उठ रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते हैं, गलत कहते हैं। मैंने तो हमेशा कंडेम किया, नहीं कहना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। अल्लाह को जान देनी है, ये आपकी तरफ ये बात लौट सकती है। खुदा के लिए अल्लाह से डरें। और मैंने तो देखा जब किसी पे मुश्किल वक्त आता है ना फिल बदी जो उसकी ज़ुबान से निकलता है ना वो चीज़ शो कर देती है कि वो कितना ईमान वाला है। मुझे याद है 2013 के इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान साहब स्टेज से गिरे थे ना, पूरी कौम रो रही थी, हम भी उसमें शामिल थे। तो जब उनको बेहोशी के आलम ने उठा के लेके जा रहे थे तो वो मुसलसल कलमा पढ़ रहे थे। यहूदी एजेंट ये काम नहीं करता क्योंकि उस वक्त तो वो होश में नहीं थे ना। तो इंसान जब होश में नहीं होता ना तो फिल बदी वही बात निकलती है जो उसका बिलीव होता है। ये मैं आपको सही बताऊं सर, आपको रात को 12 बजे कोई आगे देने में जो उठाए ना आपका नाम पूछे आप नाम भी नहीं बता सकते, होश में नहीं होता ना बंदा। तो जिसका कन्विक्शन वाला ईमान होता है ना वही ये काम कर सकता है, इस तरह के जमात ना लगाए। लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब ने भी तो साल हर साल से मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल का लकब दिया हुआ है और उनके फॉलोअर्स एक स्टेप फिर आगे चले गए। तो यहां पे भी तो पीटीआई के फॉलोअर्स एक स्टेप आगे अगर गए हैं जेयूआई वाले के, उन्होंने पूरी पीटीआई को यहूदियों का एजेंट कह दिया है। तो आप लोगों ने भी तो यही काम किया है ना, तो एंड रिजल्ट तो सेम है। जब लीडर ये काम करेगा तो नीचे वाले लोग एक हाथ आगे बढ़ेंगे। ये कोई तरीका नहीं है आप किसी से इल्मी इख्तलाफ करें। अगर आप समझते हैं कि उन्होंने ये किया तो जाएं जुडिशरी में प्रूफ करें,
جو چیز جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتی ہے نا وہ محض الزام ہوتا ہے. خیر جوڈیشری میں نہ یہ نہ وہ سارے پہنچ ہی جائیں وہاں سے عمران خان کے لوگ بھی اور ادھر سے جے یو آئی والے بھی, خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صرف نظر کریں.